भारतीय जनता पार्टी की विधायक और वरिष्ठ नेता श्री शीला ने आज अधिवेशन के दरमियान अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंगन घाट में नया सरकारी अस्पताल बनना चाहिए, ये विधायक समीर कुनावार की मांग को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस माध्यम से हिंगन घाट की गरीब जनता को न्याय मिलेगा। सदन के पहले दिन ही हमारे सम्मानीय विधायक समीर जी कुनावार, इन्होंने वर्धा जिला में जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का प्रपोज है वो हिंगन घाट में ही होना चाहिए, इस मांग को लेकर सदन के स्टेप्स पर आंदोलन किया। ये मांग वहाँ के जनता की भी है, 7-8 महीनों से आंदोलन चल भी रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी स्वयं समीर जी से चर्चा करने के लिए आंदोलन स्थल पर आए, हम सब ने चर्चा समीर जी से की। लोगों की मांग भी सही है, हिंगन घाट वासियों को न्याय भी देना है। सर्वस्वी अधिकार सदन में घोषित करने का सरकार का और उप मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन जो चर्चा हुई इससे ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक रीत से चर्चा के बाद हिंगन घाट वासियों को न्याय मिलेगा और उस प्रकार की खुशखबर लोगों को मिलेगी।